Hey guys, welcome back to Learn to Compete. My name is Hardev Thakur and today we are going to talk about price discrimination. इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी कि मोनोपोली क्या होती है, ठीक है? अब हम देखेंगे कि मोनोपोली कैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. So let's start. सबसे पहले प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, अ सेलर इज इंडल्जिंग इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन व्हेन ही इज चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट बायर्स for different variety of same good and prices are not proportional to marginal cost. सबसे पहले simple language में price discrimination क्या होता है, when a seller charge different price for the same commodity from different consumer. Price discrimination क्या होता है, जब different consumer से हमारा seller different price ले same commodity का, तो उसे हम कहेंगे price discrimination. अब कई बार क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए प्रोडक्ट को थोड़ा सा डिफरेंशिएट बना दिया जाता है, लेकिन प्रोडक्ट को थोड़ा सा डिफरेंशिएट बना के पैसे उससे और ज़्यादा ले लिए जाते हैं. इसे हम कहते हैं प्राइजेज आर नॉट प्रोपोर्शनल टू मार्जिनल कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक यूनिट को बनाने का मार्जिनल कॉस्ट 10 रुपये है और उसका प्राइस है 12 रुपये, ठीक है? वहीं पर हमारा सेलर क्या करेगा, थोड़ी डिफरेंट वेराइटी बनाएगा सेम गुड की, और उसे बनाने का चार्ज मान लीजिए आया 12 रुपये, लेकिन ये इसे बेचेगा कितने में, 18 रुपये में. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट में डिफरेंस थोड़ा सा आया, लेकिन प्राइस में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया. तो इसे भी हम क्या कहते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. अब ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो तीन टाइप का होता है. एक होता है पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसे कहते हैं, जब हमारा सेलर जो है वो डिफरेंट बायर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करे, तो उसे हम कहेंगे पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन. दूसरा टाइप होता है लोकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का. लोकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जब हमारा सेलर मान लीजिए हमारी कंट्री में डिफरेंट प्राइस चार्ज करे और फॉरेन में क्या करे, डिफरेंट प्राइस चार्ज करे, तो उसे हम कहेंगे लोकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. और तीसरा होता है अकॉर्डिंग टू यूज और ट्रेड. कई बार यूज और ट्रेड के हिसाब से भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. कैसे, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है, ये हाउस होल्ड को डिफरेंट रेट पे बेची जाती है और इंडस्ट्री को डिफरेंट रेट पे बेची जाती है. इसे हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज और ट्रेड. इसे हम थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे. देखिए क्या था, एसी पिगो जी थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को तीन टाइप में डिवाइड किया था. वो तीन टाइप कौन से थे, एक था फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक था सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और एक था थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. तो इन तीनों की हम बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की. तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है वो देख लेते हैं. देखिए ये प्राइस है हमारे वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है आउटपुट, ये हमारी डिमांड कर्व है. ओके, हमारा सेलर क्या कर रहा है, 5 क्वांटिटी सेल कर रहा है 6 रुपये के प्राइस से, तो वो कितने कमा रहा होगा, 5 क्वांटिटी 6 रुपये के हिसाब से, यानी कि वो 30 रुपये कमा रहा है, ठीक है? और हमें पता है, हमने कंज्यूमर सरप्लस वाली वीडियो में देखा था, जो प्राइस लाइन है और जो डिमांड लाइन है उसके बीच का एरिया क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस. ये हमारे कंज्यूमर का क्या है, सरप्लस है. और ये एरिया जो हो गया 6 रुपये पे 5 क्वांटिटी जो हमारा सेलर सेल कर रहा है, ये एरिया होता है रेवेन्यू. और ये ब्लू एरिया क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है. अब देखने वाली बात ये है, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, वो डिफरेंस होता है जितना हमारा कंज्यूमर विलिंग टू पे था और जितना उसने एक्चुअल में पे किया, उस दोनों के बीच का डिफरेंस. देखिए हमारा कंज्यूमर अगर एक क्वांटिटी लेता तो मान लीजिए वो विलिंग टू पे था 10 रुपये, एक क्वांटिटी के वो 10 रुपये दे सकता था, और दो क्वांटिटी के वो 9 रुपये दे सकता था, यानी कि अगर दूसरी क्वांटिटी उसे मिलती तो वो 9 रुपये की ले लेता, अगर तीसरी क्वांटिटी उसे 8 रुपये की मिलती तो वो तीसरी भी ले लेता, चौथी उसे 7 रुपये की मिलती तो वो चौथी भी ले लेता, और पांचवी अगर उसे 6 रुपये की मिलती तो वो पांचवी भी ले लेता. अब हमारे प्रोड्यूसर ने सीधा प्राइस रख दिया 6 रुपये, तो क्या किया उसने, इतना कंज्यूमर सरप्लस दे दिया, यानी कि वो कितने कमा सकता था हमारा प्रोड्यूसर, 10 रुपये पहली क्वांटिटी के, दूसरी के 9, तीसरी के 8, चौथी के 7 और पांचवी के 6, तो ये टोटल हो गया 40 रुपये, यानी कि वो 40 रुपये कमा सकता था, कमाए कितने उसने, 30 रुपये, यानी ये 10 रुपये का क्या दे दिया, कंज्यूमर सरप्लस दे दिया. लेकिन फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के केस में क्या होता है, हमारा प्रोड्यूसर क्या करता है, हर एक क्वांटिटी पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है, यानी कि हर एक कंज्यूमर से उसका कंज्यूमर सरप्लस ले लेता है. तो यानी कि हमारा कंज्यूमर जितना मैक्सिमम पे करना चाहता है उतना ही हमारा प्रोड्यूसर उसे चार्ज करता है. तो इससे क्या हो जाता है, हमारा कंज्यूमर सरप्लस जो है 0 हो जाता है. यानी कि क्या होगा, अगर हमारा कंज्यूमर पहली क्वांटिटी के 10 रुपये देना चाहता था तो वो उससे 10 रुपये ही लेगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली क्वांटिटी में उसने उतने पैसे चार्ज कर लिए कि हमारा कंज्यूमर का सरप्लस बिल्कुल 0 हो गया जब वो पहली क्वांटिटी खरीद रहा है. उसी तरह जब हमारा कंज्यूमर दूसरी क्वांटिटी लेना चाहता है तो उससे क्या करेगा, वो दूसरी क्वांटिटी के इतने चार्जेस ले लेगा, तो ये कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पे भी 0 होगा. अब आप कहेंगे कि सर ये वाला गैप क्यों आप फिल कर रहे हैं, ये वाला गैप क्यों 0 हो रहा है, इसलिए 0 हो रहा है क्योंकि अभी हम एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं. डिफरेंट कंज्यूमर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस देना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनकी विलिंगनेस होती है किसी प्रोडक्ट की. बेसिकली कहने वाली बात यह है
कि हमारा जो प्रोड्यूसर है वो सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस ले लेता है। तीसरी क्वांटिटी में आप देख सकते हैं उसने ये इतना चार्ज कर लिया, और चौथी क्वांटिटी में इतना, और पांचवी में इतना। इस तरह वो कितने कमा रहा है, 40 रुपीज़ अब कमा रहा है। पहले कितने कमा रहा था वो, 30 रुपीज़ कमा रहा था। यानी कि जो ये एक्स्ट्रा उसने दिया हुआ था कंज्यूमर सरप्लस, ये इसने वापस ले लिया। तो अब कंज्यूमर सरप्लस हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। और इसी को हम कहते हैं परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को हम कहते हैं परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इज सेट टू अकर व्हेन मोनोपोलिस्ट इज एबल टू सेल ईच सेपरेट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइजेस। यानी कि हर एक प्रोडक्ट की हर एक सेपरेट यूनिट को डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस में वो सेल कर रहा है हर एक कंज्यूमर को, ठीक है। तो यानी कि हर एक सिंगल यूनिट पे वो क्या कर रहा है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये रियल वर्ल्ड में क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा सेलर जो है वो हर एक कंज्यूमर से हर एक प्रोडक्ट के लिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का केस। अब फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में एक और चीज जानने वाली है। देखिए, मोनोपोली के केस में हमने पढ़ा था कि ये हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व होती है, जिसे कि हम डिमांड कर्व भी कहते हैं, और ये होती है हमारी मार्जिन रेवेन्यू कर्व, जो एवरेज रेवेन्यू कर्व से नीचे होती है। अब ये मार्जिन रेवेन्यू क्या होता है, जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलता है किसी एक सिंगल यूनिट के सेल होने पे। यानी कि एक एक्स्ट्रा सिंगल यूनिट अगर सेल करेंगे, एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने से एक हमारे प्रोड्यूसर को जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलता है उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि पहली कमोडिटी सेल करने पे उसे इतना एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा था, और दूसरी कमोडिटी सेल करने पे ये रेवेन्यू मिल रहा है, तीसरी पे करने पे ये मिल रहा है। तो यानी इस केस में क्या हो जाता है, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के केस में जो हमारी मार्जिन रेवेन्यू कर्व है वही डिमांड कर्व हो जाती है। तो यानी कह सकते हैं मार्जिन रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या होती है, सेम होती है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के केस में। ये चीज आपने याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड डिग्री के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। देखिए, ये हमने फर्स्ट डिग्री की बात करी, अब हम बात करेंगे सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री में क्या होता है, ये यहाँ पे हमारे वाई एक्सिस पे हमने प्राइस ले लिया, एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट ले लिया, ये हमारी डिमांड कर्व है। ये हमारा सेलर क्या कर रहा है, 5 रुपए पे 6 यूनिट सेल कर रहा है, ओके। तो ये हो गया हमारा कंज्यूमर सरप्लस, और ये हो गया हमारे प्रोड्यूसर का रेवेन्यू, ठीक है। इतने वो पैसे कमा रहा है, कितने पैसे कमा रहा है वो, 5 रुपए में 6 यूनिट बेच रहा है, यानी कि वो 30 रुपीज कमा रहा है, ओके। अब सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के केस में क्या कर देता है हमारा प्रोड्यूसर, या फिर कह लीजिए सेलर, वो क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट बंडल बना लेगा। कैसे बना लेगा, देखिए, वो सेट कर देगा कि जो तो हमारे 3 कमोडिटी खरीदेगा उसे मैं 8 रुपए चार्ज करूंगा, ठीक है। जो मेरी 6 कमोडिटी खरीदेगा उसे मैं 5 रुपए चार्ज करूंगा। क्या किया उसने, जो तो 3 कमोडिटी तक खरीदेगा उसे 8 रुपए चार्ज करेंगे, जो 6 कमोडिटी तक खरीदेगा उसे 5 रुपए चार्ज करेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि 2 चीज लेने पर 50 रुपए चार्ज, 3 लेने पर 60 रुपीज। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि वॉल्यूम के हिसाब से, या फिर कह दिए सेल के हिसाब से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना, जो जितना परचेज कर रहा है उस हिसाब से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना। तो अब उसे कितना मिलेगा, जो तो हमारे 3 कमोडिटी लेंगे कंज्यूमर वो पे करेंगे इतना, तो यानी इनको अभी भी इतना कंज्यूमर सरप्लस बच गया, ठीक है। और जो हमारे ये वाली 3 कमोडिटी लेंगे वो पे करेंगे इतना, तो उनको अभी भी इतना कंज्यूमर सरप्लस बच गया। यानी कि जो 3 ले रहे हैं उनको ये कंज्यूमर सरप्लस मिला, और जो 6 ले रहे हैं उनको एक्स्ट्रा ये वाला कंज्यूमर सरप्लस भी मिल गया। और उससे हमारे प्रोड्यूसर को कितने रुपए मिले, 3 कमोडिटी बेची उसने 8 रुपए के हिसाब से, यानी 24 रुपीज, और इस एक्स्ट्रा 3 कमोडिटी के उसे कितने मिले, 6 रुपए। तो ये हो गया हमारा 42 रुपीज। पहले वो कमा रहा था 30 रुपीज, अब वो कमा रहा है कितने, 42 रुपीज। तो हमारे प्रोड्यूसर का क्या बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ गया। तो अगर हम सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन की बात करें, व्हेन द फर्म चार्जेस डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कंज्यूमर फॉर द सेम गुड बेस्ड ऑन द क्वांटिटी और वॉल्यूम परचेज, यानी कि क्वांटिटी और वॉल्यूम परचेज के हिसाब से जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है हमारा सेलर सेम गुड का, तो उसे क्या कहते हैं, हम सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो ये होता है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का केस। तो हमने अब 2 केस पढ़ लिए, ये फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन्वॉल्व चार्जिंग ए डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर फॉर सेम गुड। दिस ग्रुप ऑफ कंज्यूमर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, सेक्स, लोकेशन, टाइम ऑफ यूज एट एक्स्ट्रा। इसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। देखिए, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस टाइप का होता है, जैसे कि हम स्टूडेंट्स को कई बार रेस्टोरेंट में डिस्काउंट दे देते हैं, तो उसे भी हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे थर्ड डिग्री का, क्योंकि ये एज के हिसाब से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। जैसे पेंशनर को कई बस टिकट सस्ती मिलती है या बस टिकट पर डिस्काउंट मिलता है, वो भी क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है एज के हिसाब से। कई बार हम बुकिंग कर लेते हैं एडवांस में, तो हमें क्या मिलती है, कोई चीज
सस्ती मिलती है, लोअर प्राइस पे मिलती है, तो उसे भी हम कहते हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वो टाइम के हिसाब से हुआ है ना, हमने एडवांस में बुकिंग कर ली तो हमें कोई चीज सस्ती मिल गई, तो इस टाइप के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को कहते हैं हम थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आपने देखा होगा सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जिसकी हमने बात करी थी, जो वॉल्यूम के हिसाब से होता है, उसमें क्या था, जैसे कोई दो कमोडिटी ले रहा है 50 रुपए की, 3 ले रहा है तो उसे 60 रुपए की पड़ गई, इसे हम कहते हैं सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और ये होता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो जो सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है और जो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, ये रियल वर्ल्ड में हमारे एग्जिस्ट करते हैं, जबकि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जिसे हम परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं, वो हमारे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। और फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में मैंने एक और चीज़ आपको बताई, जो हमारी डिमांड लाइन होती है वही हमारी मार्जिन रेवेन्यू कर्व हो जाती है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन केस में, या फिर कह लीजिए एवरेज रेवेन्यू कर्व भी हमारी मार्जिन रेवेन्यू कर्व हो जाती है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के केस में। अब अगली चीज़ देख लेते हैं हम, कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की क्या कंडीशन है, इसकी तीन कंडीशन है। एक तो मार्केट पावर होनी चाहिए हमारे सेलर के पास, जो सेल कर रहा है उसे मार्केट की पावर होनी चाहिए, तभी वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर पाएगा, यानी कि उसका प्राइस पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर उसका प्राइस पे कंट्रोल नहीं है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन का अगर केस है, तो क्या नहीं हो पाएगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाएगा। ओके, सेकंड चीज क्या है, हमारा सेलर जो है वो डिफरेंशिएट कर सके बिटवीन द मार्केट एंड कंज्यूमर विद डिफरेंट विलिंगनेस टू पे एंड डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मार्केट है 1 और दूसरी मार्केट है 2, एक मार्केट 1 है एक मार्केट 2 है। यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो क्या करना चाहता है, वो हमारे सेलर के प्रोडक्ट के ज्यादा प्राइस देने को राजी है, और यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो इतना विलिंग नहीं है उस प्रोडक्ट को खरीदने में, यानी कि क्या होगा, ये ज्यादा विलिंग है तो इसकी प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होगी, कम होगी। ये कम विलिंग है तो इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका क्या मतलब होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा का क्या मतलब है, क्योंकि अगर हमारे सेलर ने यहाँ पे ज्यादा प्राइस चार्ज किया तो हमारा ये कंज्यूमर क्या करेगा, कम खरीदना शुरू कर देगा प्रोडक्ट को, क्योंकि इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ज्यादा है। और यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है, यानी कि हमारा अगर प्रोड्यूसर ज्यादा भी चार्ज करता है तो हमारा कंज्यूमर कहीं और नहीं जाएगा, यानी कि वो अपनी कंजप्शन कम नहीं करेगा। तो जहां पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी वहां पे वो क्या करेगा, ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा, और जहां पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होगी वहां पे वो कम प्राइस चार्ज करेगा। ओके, तो यानी कि हमारे सेलर को पता होना चाहिए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है हमारे कंज्यूमर की, या फिर हमारे कंज्यूमर कितने विलिंग टू पे हैं उस मार्केट में। ओके, और तीसरी चीज है नो रीसेल शुड हैपन, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी रीसेल नहीं होनी चाहिए। अगर मार्केट 1 है हमारे पास और मार्केट 2 है, यहाँ पे हमारा प्रोड्यूसर प्राइस ज्यादा ले रहा है और यहाँ पे हमारा प्रोड्यूसर प्राइस कम ले रहा है, तो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ लोगों ने कम प्राइस पे खरीदा और इधर जाके सेल करने लगे, तो हमारा क्या होगा, हमारे सेलर को यहाँ पे कॉम्पिटिटर मिल जाएंगे उसी के प्रोडक्ट के, तो उसको यहाँ पे प्राइस कम करना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे रीसेल नहीं होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट हमारा प्रोड्यूसर बेच रहा है। तो ये तीन कंडीशन होती हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर भी कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।